मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ बिकॉज ये मेरा मोस्ट रेडिकली डिफरेंट लुक रहा है किसी भी मेरी फिल्म में. एंड आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आपने कहा है, काफी लोगों को अच्छा लगा. सो ऑब्वियसली आई फील वेरी हैप्पी दैट वी ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट एंड इट्स वर्किंग. राजू सर का आइडिया था, इट वॉज कम्प्लीटली हिज कॉल टू यू नो टेक मी, ही हैड समथिंग पर्टिकुलरली इन माइंड एंड आई एम श्योर यू बी वेरी हैप्पी टू नो दैट एवरीवन इज लाइकिंग इट. एक्सपेक्टेशन बहुत खराब होती है, एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए लाइफ से, बहुत डिसअपॉइंटिंग होती है. मतलब आई थिंक आई डोंट वॉन्ट टॉक अबाउट दैट बिकॉज it's not something that I'm thinking about. I mean, it's a very special film for me, honestly. I mean, working with Raju sir, it's really like the most wonderful experience I've had. So, अच्छे से picture बनाई है, picture अच्छे से बनी है, release होगी, आप सब लोग देखोगे. So I just we'll see, we'll just wait and watch. How was the journey? जैसे मैंने कहा, मेरा नाम है जगत जननी. मैं आपको बहुत कुछ ज्यादा नहीं बता सकती फिल्म के बारे में. आई डोंट नो व्हाई आप लोगों को फिल्म के पहले सब कुछ जानना होता है, फिल्म में आप देख ही लेंगे. एंड आई थिंक आई रियली डोंट, ऑनेस्टली आई डोंट वांट टेल यू ऑल बिकॉज मैं आपका सीरियसली आई एम डूइंग इट बिकॉज आई डोंट वांट यू ऑल टू यू नो द नॉवेल्टी ऑफ एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. लेट्स जस्ट कीप इट एट दैट. दैट्स व्हाई इट्स समथिंग दैट यू शुड जस्ट डिस्कवर इन द फिल्म. It was great. Through the course of working with Amir, I kind of realized that, you know, we have a lot in common as people, actors, towards our work, and that was nice to know. And he's very meticulous, yeah. You know, something that I can relate to completely. And you know, he's very very sincere and driven towards, you know, something, and he's very focused that way. So it was nice, very nice. You know, your last film, this film has, you know, there's a lot of gap between both the films. So now that you're seeing the final product, or probably now that you're seeing the PK coming out so well, do you think that the gap is fair enough? See, I mean, the gap is for you guys now because you guys didn't meet me, you guys didn't see me, but. मेरे लिए तो काम चल ही रहा था. आई वॉज स्टिल वर्किंग, आई वॉज वर्किंग माई एस ऑफ इन द पास्ट टू ईयर्स. मैंने चार फिल्में शूट करी हैं इस समय पे. दैट्स अ लॉट, दैट्स रियली अ लॉट. सो आई हैव बीन रियली बिजी. एक्चुअली आई हैव बीन द बिजिएस्ट इन द पास्ट टू ईयर्स. सो इट्स जस्ट बिकॉज यू नो मैं प्रेजेंट नहीं थी, बट इट्स बीन आंट यू ग्लैड मैं आ गई हूँ. At one point, I was shooting two films. That's the reason why I could not cut my hair, because I really wanted to chop my own hair off because it's much easier. Lekin I was shooting Bombay Velvet saath mein, and I couldn't do that. So, yeah, that question of reading. How did you manage shooting all the films together? Yeah, I managed very well. Bombay Velvet. नहीं, नॉट रियली, बिकॉज इट्स हैपनिंग टू द बेस्ट. आई हैव वन फिल्म इन डिसम्बर एंड वन रिलीजिंग विद इन टू मंथ्स. आई एम स्टिल डूइंग द सेम थिंग एंड आई एम स्टिल वर्किंग. बट या आई मीन बॉम्बे वेलवेट इज गोइंग टू कम आउट लिटिल लेटर. एंड यू नो हम शूट करते हैं फिल्म, वी आर डन विद आवर वर्क. उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन होता है, जो भी यू नो फिल्म का प्रोसेस होता है. दैट्स समथिंग दैट्स लेफ्ट टू द फिल्म मेकर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड द रिलीज डेट, व्हिच इज द बेस्ट डेट टू रिलीज द फिल्म. दैट्स अ कम्प्लीटली यू नो प्रोडक्शन का एक कॉल है. सो आई रियली हैव एब्सोल्युटली नो नथिंग विल यू से मी. मैं अपने
I mean, everyone's different, you know, every actor is unique and everyone has their own ways of working and the way in which the kind of films that they do and the way it's all, I mean, because they're both, I don't need to say it, it's not something that I need to say, they're both great at what they do. And I'm just happy that I got to work with both of them. I don't know, मेरे लिए अगर मैं अपने आप को ऐसे बाहर निकाल दूँ कि मैं एक्ट्रेस नहीं हूँ उस फिल्म की और आई एम टू जस्ट वॉच दिस एज अ मूवी, आई वुड से राजीव रानी फिल्म है, व्हाट मोर, आई मीन फॉर मी दैट्स व्हाट एक्साइट्स मी, मेरे दोस्तों को उस चीज की एक्साइटमेंट है फिल्म से रिलेटेड, तो दैट्स द एक्साइटमेंट, आई थिंक ही इज द स्टार ऑफ द फिल्म. कौन सी यार, दिस करोड़ों के क्वेश्चन ना, लाइक आई जस्ट रियली लाइक ये पानी पीते पे फोटोग्राफ मत खींचना, पानी फेंक डर के, आई एम ड्रिंकिंग सो फास्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल ड्रॉपिंग, बट लेट मी टेल यू पिक्चर में बहुत अजीब लगता है, इसमें इट्स स्टिल ओके. करोड़ों की बात कर रही थी. तो आपको लगता है पीके वो रिकॉर्ड तोड़ पाएगी फिल्म का? क्या हम लोगों का काम है फिल्म बनाना? ऑनेस्टली ये चीजें ना मुझे समझ में आती है और ना मैं इस समय पे, आई डोंट थिंक ये एक सही एक तरीका है देखने का फिल्म का सक्सेस. अगर बनाएंगे इट बी ग्रेट फॉर एवरी वन, बट इट्स नॉट द वे वी आर लुकिंग एट इट, आई एम नॉट, मेरे लिए जैसे मैंने पहले कहा है बहुत ही स्पेशल फिल्म है और एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है एंड अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है, रिलीज होगी, लोगों को पसंद आए, लोगों को मेरी परफॉर्मेंस पसंद आए, दैट्स व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन. आपने हमेशा से कहा कि आप डायरेक्टर्स आपके लिस्ट में होते हैं, आप इस फिल्म के साथ काम कर रहे हो, लेकिन एक्ट्रेस की बात करें शाहरुख हो गए, आमिर हो गए, आप सलमान खान, आप खानों के पीछे पड़ गई हैं. इनके सारे क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू खान को. हाँ आई सी ना, आई डोंट नो आगे जाके क्या होगा, लाइक आई सेड मेरे को बहुत ज्यादा भूख है अच्छी फिल्में करने की एंड मैं बस उसी के बारे में सोचती हूँ, आई ओनली थिंक अबाउट दैट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फिल्म एक डायरेक्टर का एक मीडियम होता है और वो जिस तरह से दर्शाते हैं दैट्स द बेस्ट वे इन विच यू कैन अकम्पलिश योर ओन रोल इन द फिल्म. सो आगे जाके मैंने कभी ऐसे कुछ यू नो लाइक चाह नहीं रखी है एंड गॉड हैज बीन वेरी काइंड एंड आई गॉट टू वर्क विद लाइक यू सेड शाहरुख एंड आमिर आल्सो, सो लेट्स सी, लीव इट टू गॉड एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अच्छा, कुछ फिल्में होती है जिसमें लाइक बड़े स्टार्स होते हैं और कुछ फिल्में होती है जिनकी कंटेंट अच्छी होती है, सो डू यू थिंक बड़े स्टार्स वाली फिल्म ओवरशैडो कर जाती है कंटेंट को? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अगर फिल्म अच्छी है इट विल गेट इट्स ड्यू. या ऑफकोर्स हमारी कंट्री बहुत स्टार ड्रिवन है हमारे, बट आई थिंक आई कैन से वेरी सेफली अगर कोई फिल्म अच्छी रही है, फिल्म बिन गुड, इट्स बिन नोटिस्ड एंड इट्स डन वेल. सो आई डोंट थिंक वॉट यूर सीइंग इज एंटायरली करेक्ट, बट यू आर राइट. या No, you're absolutely right. This is like the most exciting phase of my career, definitely. What's exciting is ki jo ye film release ho rahi hai, I'm working with some of the directors that everybody wishes to work with and I'm getting to do that, you know, back to back. So I feel very very happy. Apart from that, अलग डायरेक्टर्स के साथ आप काम करते हैं तो उनकी एक अलग विजन होती है, आपको अलग दिखाते हैं फिल्म में, तो यू नो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम प्लेइंग डिफरेंट रोल्स, यू नो, सो देयर इज अ वर्सेटिलिटी दैट इज अटैच्ड टू मी विच इज व्हाट आई हैव ऑलवेज ट्राइव टू अचीव एंड या आई मीन इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिजी ईयर. अभी मेरी पहली प्रोडक्शन एनएचटेन फाइव निकलेगी, उसके बारे में हम सबके बारे में बाद में बात करेंगे, बट या आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड. क्या आपने फाइनल प्रोडक्ट देखा है मूवी का? मेरा भाई सबसे बड़ा क्या है? क्रिटिक है. या माई ब्रदर इज लाइक इट्स ही इज हॉरिबल, ही इज टेल मी पॉइंट ब्लैंक. हाँ ठीक, यू गो ओके,
So I'm like, he's like not very like, you know, like a brother who would have been fantastic, superb. So yeah, my brother is like my litmus test. So, jab haan, I'll show it to him later. No, abhi nahi nahi dekhi. भाई का नहीं कह सकते बहुत मुश्किल है I don't understand, okay? Signing a next film, yeah. You know, after the success of either film, do you keep that in mind, the failure or success of the film, you know, signing for the next film?